को भी रिक्वेस्ट किया था, मैंने एडवाइजर गवर्नर साहब को भी रिक्वेस्ट किया था, मैंने पूरे डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया था कि हर रोज़ कोई ना कोई यहाँ पे सुसाइड करता है, यहाँ सिमरकदर पे जंप मारता है वो सुसाइड करता है। कल भी एक लड़का आया था, कोपारा से आया था, तो उन्होंने यहाँ से छलांग मारी, जंप मारा तो उन्होंने सुसाइड किया यहाँ पे। और एक हफ्ते पहले एक लेडी आई थी गांधरबल से, उन्होंने भी यहाँ पे सिमरकदर से छलांग मार के उन्होंने सुसाइड किया। इस महीने में ये चौथा मसला है, चारों ने यहाँ पे खुदकुशी की सिमरकदर पे। और मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया सिमरकदर को दोनों तरफ से चेन फेंसिंग जरूरी होने चाहिए, जिससे ये खुदकुशी ये जंप मारना आराम नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर सरकार इस पर दोनों तरफ से चेन फेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैसले से बन गया, जिसको भी कहीं से भी डिप्रेशन में आ जाता है हमारा लड़का, हमारा नौजवान, जो नौजवान हमारा कौम का सरमाया है, वो हर रोज़ किसी न किसी चीज़ से वो डिप्रेस में चला जाता और यहाँ पे वो पहुँच जाता है सिमरकदर पे, और यहाँ पे वो छलांग मारता है और खुदकुशी करता है। यहाँ पे एक फैशन से बन गया। और ये जो सिमरकदर है ये एक सुसाइड पॉइंट बन गया। कोई गांधरबल से आता है, कोई कोपारा से आता है, कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से आता है, और वो यहाँ से छलांग मारता है और सुसाइड करता है। तो मैंने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट किया था, यहाँ दोनों तरफ से चेन फेंसिंग ज़रूरी है। अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकता है, फिर मैं लोगों से भीख मांगूंगा, मैं यहाँ पे एक हफ्ते के बाद, अगर एक हफ्ते में इसके काम स्टार्ट नहीं हुआ चेन फेंसिंग में, फिर मैं खुद बैठूंगा यहाँ सिमरकदर पे, मैं यहाँ रोड ब्लॉक करूंगा और मैं लोगों से, दुकानदारों से भीख मांगूंगा और मैं पैसे जमा करूंगा और इस सिमर ब्रिज में दोनों तरफ से मैं चेन फेंसिंग स्टार्ट करूँगा।